मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। हफ्ते के दिन शाम में साढ़े छः बजे क्या है मालूम, मेरे बच्चे को लाके यहाँ पे दफन कर दिए थे हम। आज आके देख रहे हैं तो कब्र में से बच्चा गायब है। पूरा कब्र क्या है मालूम, ये करके पूरे कब्र में से बच्चे को निकाल दे के ऊपर फर्सियाँ रख के चले गए उन लोग। अब आके देखे तो कुछ भी नहीं है। आके फिर अब आके कंप्लेंट करे, सब करे। अब क्या है, सबसे गुजारिश है कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। और सलीम साहब देखिए, यहाँ पर पूरे बस जानवर फिर रहे, पूरे जिसमें खबरों में नाच रहे पूरे, वो भी यहाँ पे। एक तो ईदगाह की नमाज पढ़ते हैं अपन, ईदगाह की आवाज करते हैं। बच्चे को अंदर तफीन करे थे, उस वक्त पत्थर लगाए थे, बगली लगाए थे, पूरा जैसा करते ना वैसा पूरा इंतजाम से हम लोग पूरा करके चले गए थे। बट इतना जी लिखा है हम लोग कम्प्लेंट कर दिए यहाँ पे पहाड़ी पीएस। आप रहने वाले किधर? हम यहाँ पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ी शरीफ मूसा कॉलोनी में रहते। फोटोज वीडियोस लेके चले गए उन लोग। अब लेके गए, उसके बाद हम जाके पूछे तो ठीक है हम लोग ये कर लेते आगे। और पूछे तो उन लोग बोले हम इंक्वायरी करके सबके फ़ोन नंबर वो ये ले लिए, फ़ोन करके बुला लेते बोल के बोले। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जी मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को। कौन ये करे, हर कोई मतलब हुकूमत वाले ज़रा ये करके मेरे बच्चे को कौन लेके गए, वो आदमी को पकड़ना। ऐसे कितने केसेस हो गए कि अब क्या है मालूम, मेरे बच्चे को अब सीधा छोड़ के गए थे हम लोग, आके देख लिए तो हम लोग ये कर रहे कि अभी ऐसे वहाँ पर बहुत है खबर से, बट कोई भी नहीं देखे। सो सर ये जो ये कब्रिस्तान है, ये क्या नाम है कब्रिस्तान का? कब्रिस्तान का नाम पहाड़ी शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहाड़ी शरीफ जो दरगाह है बाबा शरफुद्दीन की, उसके पीछे ईदगाह है। ईदगाह में ये कब्रिस्तान है जो यहाँ पर बाजुक ही लग के थोड़ा आगे बाजुक पीएस भी है। वहीं पर कंप्लेंट भी करे, बोल दिए वो लोगों को, वो लोग आके बोले देखे चेक करे, पूरा फोटोज़ लिए वीडियोज़ लिए लेके वो लोग बोले अब हम यहाँ से इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह बोल के। तो बोले हमारे को पूरा, हमारा एक दिन का बच्चा हम दफिन करें जो है समा कब्रिस्तान में से बच्चा गायब है। आखिर हमारी पुलिस वालों का ने भी गए, पुलिस वाले भी कुछ ये नहीं कर रहे। हम लोग हुकूमत से ये कर रहे चाह रहे कि हमारे बच्चे को ढूंढो, हमारे को कैसा है ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, कौन कब्रिस्तान में से उठाते, मर गए बाद में वहाँ भी सही नहीं है बोले तो आखिर दफनाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। आप लोगों से इतनी दुआ कर रहे हैं, ये चैनल वाले सब जो है अल्लाह उन लोगों को अच्छा रखो, ढूंढो हमारे को सही कैफ़त दो, आइंदा से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना, हमारे को तो हमारे बच्चे की कैफ़त पूरी मिलना। आप लोगों को हाथ जोड़ती हूँ, दो पैरों पड़ती हूँ मैं अकबर साहब, असद साहब, पूरी हुकूमत से मैं ये कर रही हूँ जो है समा मेरे नवासे को ढूंढिए, प्लीज़ मेरे नवासे को ढूंढो। उस अकबर वालों को भी बोल रही हूँ, सब हुकूमत वालों को, अकबर वालों को, सबको बोल रही हूँ कि हमारे नवासे की जल्द से जल्द कुछ भी अच्छी कैफ़त लीजिए। वो मुर्दा भी है तो कहाँ है, उसकी कैफ़त लीजिए। हम लोग तो आज तक ऐसा देखे नहीं करे नहीं, हमारे को इतना बड़ा जख्म मिला, मेरी बच्ची को इतना हुआ, वहाँ तो भी सेफ रहता बोले तो वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पूरे जानवर लौट रही, क्या आलम है कब्रिस्तान का, ना कुछ दायरा बनाने वाले है, ना गेट है, ना रूम है, आखिर कैसा होगा। प्लीज़ आप लोग उसका कुछ इंतज़ाम कीजिए, प्लीज़ असद साहब, अवैसी साहब, सबसे गुजारिश है यहाँ तक कि अकबर से भी यह है, बाबा शरफुद्दीन का नहीं ऐसा हो रहा बोले तो आप कहीं भी सेफ नहीं रह सकते मुर्दे भी। देखिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के दुआ कर रही हूँ, जल्द से जल्द पुलिस वालों का नहीं गए तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। हाँ अम्मा देखेंगे, तहकीकत करेंगे, वो करेंगे, कब करते बोलिए, प्लीज़ करिए, जल्द से जल्द हमारे बच्चे को ढूंढिए। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, आइंदा किसी बच्चे के साथ नहीं होना, सब मुसलमान भाई बहन है सब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्लीज़ आप लोग ढूंढिए, कैफ़त लीजिए, आखिर ये ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा, आजू बाजू के भी देखिए ज़रा, आखिर उसमें भी हड्डियाँ तो रहते ना, उसमें भी क्या है क्या नहीं, प्लीज़ आप लोगों के हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, वो भी देखिए।